क्वेश्चन नंबर थ्री। ओके, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। ओके, नाउ दिस इज नॉट लॉस। सो लॉस हमेशा होता है किसी सेल या परचेज में, ठीक है। अभी यहाँ पे लॉस नहीं कहेंगे हम इसको, हम यहाँ पे कहेंगे डिक्रीज पॉपुलेशन। मेरे को पता नहीं चल रहा था मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने लॉस लिख दिया। देखो क्वेश्चन में एकदम साफ साफ लिखा तो है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, तो हमें डिक्रीज डिक्रीज पहले निकालना पड़ेगा। ओके, लिख लिए, करेक्शन कर लिए। ओके, सो डिक्रीज इक्वल्स टू टोटल माइनस दिस। तो ये जो लाइन लिखी है वो गलत लिखी है। अब देखो डिक्रीज कैसे हुआ, जो ओल्ड पॉपुलेशन थी, ये ओल्ड पॉपुलेशन थी ना, वो ज्यादा थी और कम, ये वाली नई वाली ज्यादा थी, सॉरी कम थी। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिक्रीज इक्वल्स टू ओल्ड पॉपुलेशन ओके माइनस न्यू पॉपुलेशन। ओल्ड माइनस न्यू पॉपुलेशन। ओके, अब यही क्वेश्चन अगर इंक्रीज का हो जाता, सपोज आज कोई पॉपुलेशन 25,000 है, कल वो बढ़ के 26,000 हो जाती है, तो हम तो फिर इसी ओ, हाँ तो फिर हम न्यू हाँ न्यू पॉपुलेशन माइनस ओल्ड पॉपुलेशन। वेरी गुड, तो वो क्वेश्चन किसका बनेगा, इंक्रीज का बनेगा। इंक्रीज इज इक्वल्स टू न्यू पॉपुलेशन माइनस ओल्ड पॉपुलेशन। वेरी गुड, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बहुत सारे वैरायटी के आ सकते हैं। ओके, करेंगे बात करेंगे इसके बारे में। 500 उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। अब आपने प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, कुछ फॉर्मूला गलत है, ठीक है। अब हमें क्या था, क्वेश्चन क्या था, डिक्रीज परसेंटेज निकालनी थी, तो हम फॉर्मूला भी उसी लैंग्वेज में लिखेंगे। वेट, डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल्स टू, वेट, डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल्स टू मींस ओल्ड पॉपुलेशन। वेट, नहीं नहीं ओल्ड पॉपुलेशन नीचे आएगा, ओल्ड पॉपुलेशन नीचे, 500 अपॉन ओल्ड पॉपुलेशन इन 200, बट ऊपर क्या आएगा, ऊपर 500। 500 क्या है, 500 इज अ डिक्रीज्ड। वेरी गुड, अब इसको फॉर्मूले का मतलब समझो। जब भी किसी चीज का परसेंटेज अगर निकालना होता है, सपोज करो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो ऊपर आएगा प्रॉफिट अपॉन जो पहले हुआ सीपी, ठीक है ना, इनटू 100। अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो ऊपर क्या आएगा, तो लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। और अगर हमें डिक्रीज का चाहिए तो हम डिक्रीज मतलब डिक्रीज परसेंटेज चाहिए तो डिक्रीज अपॉन ओल्ड पॉपुलेशन इनटू 100। या मैं से अगर टैक्स का चाहिए तो टैक्स ऊपर आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, तो इसी तरीके से जो चाहिए होता है वो ऊपर आ जाता है। परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान होता है, तो हमने इसका फॉर्मूला पहले भी बता रखा है इस तरीके से, जो भी आएगा हैश ऊपर आ जाएगा अपॉन और टोटल और बेस, या फिर बेस इन टू हंड्रेड। याद आया कुछ फॉर्मूला ये वाला, आई नो, ये वीडियो मैंने शेयर भी करी थी, रिवाइज कर लिया, ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूले को हम इसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 500 अपॉन 25,000 इंटू 100, ठीक है। ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेरे लिए, अपने लिए 500 अपॉन 25,000 इंटू 100। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, 3 0 है, यहाँ पे 2 गए, यहाँ पे 1 गया, 1 5, और ये आया 2। सो वेरी गुड, तो आंसर इज 2%। सो जल्दी से इस चीज को कॉपी कर लो, जो भी आपने इसमें गलती करी थी, फिर हम